कटहल दो प्याज़ा के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम कटहल लिए हैं। आलू ऑप्शनल है, बच्चे थोड़ा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम साथ में आलू भी डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 बड़े प्याज काटे हैं, अदरक घिसी हुई, 2 लहसुन छीले हैं हमने, और तेज़पत्ता। खड़े मसाले में हमें चाहिए काली मिर्च, छड़ीला, बड़ी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, जावित्री। तो ये हमें खड़े मसाले में चाहिए दो प्याज़ा के लिए। 3 हमने यहाँ पर टमाटर कट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम कटहल और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटहल दो प्याज़ा बहुत टेस्टी बनता है। कटहल दो प्याज़ा आप खाएंगे तो लगेगा बिल्कुल कि एकदम नॉनवेज वाला आपको टेस्ट मिल रहा है। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कटहल और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आलू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालिए। यहाँ पर मेरा आलू कटहल अच्छे से आप देख सकते हैं फ्राई हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब बचे हुए तेल में सबसे पहले मैं तेज़पत्ते का तड़का दूँगी और साथ में प्याज डालूँगी। प्याज को हल्का सुनहरा करेंगे। प्याज मेरी हल्की सुनहरी हो गई है, तो इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को भी बहुत फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा करना है। प्याज के साथ लहसुन हमारा हल्का सुनहरा हो गया। जितने हमने खड़े मसाले निकाले थे इसको हम साथ में डाल देंगे, और अदरक भी साथ में ही हम डाल देंगे, और इसको खूब 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे तेल में खड़ा मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। और साथ में हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पर हम टमाटर ऐड करेंगे, मसाले को अच्छे से खूब अच्छे से इसको हम मसाला को भून लेंगे। देखिए मसाले हमारे भून रहे हैं, इसका कलर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है मसाला। एकदम सारे खड़े मसाले हैं, हमने यहाँ पे कोई भी पीसा मसाला नहीं यूज़ किया है हल्दी को छोड़कर। तो यहाँ हमारा मसाला देखिए कितने अच्छे से भून गया है। और अब हम इसमें जो फ्राई करके कटहल और आलू रखे थे उसको हम ऐड करेंगे इसमें। और इसमें कटहल और आलू डालने के बाद अच्छे से अभी तक हम मिक्स कर मसाले में मिक्स कर देंगे। देखिए ऐसे अच्छे से मसाले में हम कटहल आलू को मिक्स कर देंगे। और प्लीज़ अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए अच्छे से कितने अच्छे से मसाले में कटहल आलू मिल गया है। हमारा मसाला भी भून चुका है, कटहल आलू भी भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 गिलास पानी, क्योंकि 1 गिलास पानी डालने के बाद ज़्यादा पानी दो प्याज़ा में नहीं पड़ता है। गाढ़ी ग्रेवी की सब्ज़ी बनती है तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। और पानी डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे। फुल फ्लेम पर, प्रेशर हमारा निकल गया है,
और देखिए कितनी अच्छी और कितनी गाढ़ी और कितना बढ़िया दो प्याज़ा बना है, आप खुद देख सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा बताया गया दो प्याज़ा कैसा लगा। थैंक यू।